दोस्तों, अगर आपके पास पावरफुल सुपर एनर्जेटिक जर्मन शेफर्ड पपी है और वो एग्रेसिव हो गया है और उसको आप काम करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है मेरी बाकी की वीडियोस की तरह ही। इसमें दोस्तों मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने डॉग के एग्रेशन का पॉइंट तो फिगर आउट कर ही लेंगे, साथ के साथ दोस्तों उसके एग्रेशन को कंट्रोल भी कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप दोनों चीज़ें कर पाएंगे, अपने डॉग के एग्रेशन को कंट्रोल भी कर पाएंगे और अपने डॉग के एग्रेसिव होने का जो रीज़न है दोस्तों उसको भी फाइंड आउट कर पाएंगे, यानी कि उसका ट्रिगर पॉइंट। और आप एक बार ट्रिगर पॉइंट अपने डॉग का फाइंड आउट कर लेंगे तो आप अपने डॉग को इजीली मेथड से जो है काम कर ले जाएंगे। और जर्मन शेफर्ड को दोस्तों काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक डॉग होते हैं और ये अपनी टेरिटरी के लिए और अपने प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से ये बहुत ज्यादा दोस्तों एग्रेसिव भी हो जाते हैं। अगर इनको लगेगा कि इनके ऑनर पे कोई हमला होने वाला है या इनका ऑनर किसी भी खतरे में है तो दोस्तों ये फौरन जो है सामने वाले पर्सन पे अटैक कर देंगे। फिर सामने वाला पर्सन चाहे उनका जानने वाला हो या फिर कोई एनिमल हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है अपने डॉग का एग्रेशन कंट्रोल करते समय, क्योंकि इस प्रोसीजर में टाइम लगने वाला है, पेशेंस रखना है अपने अंदर, क्योंकि दोस्तों ये लंबा प्रोसीजर है, ये एक दिन दो दिन या एक हफ्ते एक महीने के अंदर नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आपके जो है डॉग में चेंजेस लाएगा। और आपका डॉग जितना ज़्यादा बड़ा होगा और जितना ज़्यादा उसमें एग्रेशन होगा उतना ही टाइम लगेगा दोस्तों उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दोस्तों इस चीज़ की हम गारंटी कह सकते हैं कि अगर आप मेरे द्वारा बताए गए सभी स्टेप्स जो हैं ध्यान से फॉलो करेंगे तो आप जो अपने डॉग का एग्रेशन कंट्रोल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने डॉग का एग्रेशन जो है कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसी वो कौन सी चार चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है जब आप अपने डॉग के एग्रेशन कंट्रोल करने के मेथड्स अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों टाइम, आपको अपने डॉग को प्रॉपर टाइम देना है। दूसरे नंबर पे आता है पेशेंस, आपको अपने ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी आपको लगेगा कि यार कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा है और जो है छोड़ देते हैं इन सब चीज़ों को, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ये गलती करेंगे दोस्तों तो आप अपने डॉग का एग्रेशन कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारने में दोस्तों टाइम लगता है और ये तो इतने प्यारे जीव हैं, इतने जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों आपने देखा है मेरे डॉग कितना काम नेचर का है, कोई एग्रेशन नहीं है उसके अंदर, कोई कुछ नहीं है, तो आप भी ऐसा डॉग बनाना चाहते हैं दोस्तों बन जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपको अपने डॉग को प्रॉपर वॉक के लिए लेके जाना है, इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ आपके डॉग में एग्रेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज आपका डॉग जो है ग्राउलिंग कर रहा है, मतलब कि गू गी ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है, इसका मतलब होता है कि वो आपको चेतावनी दे रहा है कि उसको जो है आपसे डर लग रहा है या जो आप कर रहे हैं दोस्तों वो उसको पसंद नहीं कर रहा है, तो आप उसको करना बंद कर दीजिए। ये डॉग के कम्युनिकेशन का तरीका होता है दोस्तों ग्राउलिंग करके। ग्राउलिंग वो इसीलिए करते हैं ताकि आपको चेतावनी दे सकें या आपको समझा सकें, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि डॉग ग्राउलिंग क्यों कर रहा है। डॉग ग्राउलिंग दोस्तों इसीलिए करता है ताकि आपको चेतावनी दे रहा होता है कि अब बस करो, अगर आप ज़्यादा मुझे परेशान करोगे तो इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो इसलिए आपको डॉग को, जब आपका डॉग ग्राउलिंग कर रहा है तो आपको जो भी एक्टिविटी आप उसके साथ कर रहे हैं आप उसको मत करिए, और उसको सिंपल सा दोस्तों नो कमांड पे ट्रेन करके रखिए, क्योंकि दोस्तों आपके डॉग की जो बेसिक ओबीडियंट की ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपके डॉग के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपने अभी तक अपने डॉग को बेसिक ओबीडियंट की ट्रेनिंग नहीं दी है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने डॉग को बेसिक ओबीडियंट की ट्रेनिंग देनी है। जब आप बेसिक ओबीडियंट की ट्रेनिंग दे लेंगे उसके बाद ही दोस्तों आप जो है एग्रेशन को कंट्रोल करने वाले मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है दोस्तों, आपको अपने डॉग का ट्रिगर पॉइंट ढूंढना है। कौन सा ऐसा दोस्तों ट्रिगर पॉइंट है जिसको देखकर या जिसको सुनकर जो है आपका डॉग जो हाइपर एक्टिव हो जाता है और एग्रेसिव हो जाता है, और एग्रेशन को अगर कंट्रोल नहीं किया गया दोस्तों तो इससे आपको तो खतरा है ही है, साथ में आपके घर में रहने वाले जो मेंबर्स हैं या आपकी कॉलोनी में आसपास जो रहने वाले मेंबर्स हैं उनको भी दोस्तों खतरा हो सकता है। अगर हम सभी पेट पेरेंट्स जो भी अपने घर में डॉग्स को लेके आते हैं अगर वो अपने डॉग को काम रखेंगे दोस्तों, एग्रेशन उसका कंट्रोल कर ले जाएंगे, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि जो डॉग अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, कई सारे आपने देखा होगा कि पेट डॉग अटैक के केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, जो कि एक लखनऊ में भी हुआ था, आपका गाज़ियाबाद में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, तो दोस्तों हम उन केसेस को भी दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ हद तक तो दोस्तों कम होंगे ही होंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर में पेट तो ले आते हैं लेकिन हमें पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, हम प्रॉपर अपने डॉग का कंट्रोल एग्रेशन कर नहीं पाते हैं, उसकी वजह से हमारे ये कॉन्सिक्वेंसेस हमको सामना करना पड़ता है कि पता लगा हम फ्लैट में रह रहे हैं, अपने डॉग को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, प्रॉपर सोशलाइज नहीं करा रहे हैं, अपने डॉग को घुमाने के लिए लेके गए लिफ्ट
लिफ्ट में, और पता लगा जैसे वो लिफ्ट से बाहर निकला उसने किसी की टांग पकड़ ली। होता है ना दोस्तों, आपके साथ भी हुआ होगा। अगर आपके पास डॉग है, आपका डॉग एग्रेसिव होगा, तो वॉक के दौरान क्या होता है कि आपके डॉग ने कभी गाय को पकड़ लिया। तो ये सारी चीजें दोस्तों इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज होती नहीं है कि हम अपने डॉग का बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करें, किस तरह से दोस्तों उसको एक ओबीडियंट डॉग बनाए ताकि आपकी बात वो अच्छे से मान सके। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों अपने डॉग को कमांड करना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हम में से 90% लोग नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम में से 90% लोग नहीं कर पाते हैं। अब आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये स्टिक है जो कि इसकी फेवरेट है, लेकिन मैं इसको अगर नहीं भी दूंगा तो ये मुझे ना बार्क करेगा ना ग्राउल करेगा। क्यों? इसको पता है, इसको ओबीडिएंट ट्रेनिंग दी गई है, इसका एग्रेशन कंट्रोल किया गया है। आप भी अपने डॉग को ऐसा ही बना सकते हैं। एग्रेशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको कब फेस करनी पड़ती है? जब दोस्तों जो है आपके डॉग को मेडिसिन खिलानी होती है या आपको वेट के यहाँ इंजेक्शन लगवाना होता है। इंजेक्शन लगवाने के टाइम पर तो चलिए आप नोजल लगा लेंगे डॉग का, लेकिन जब आपको मेडिसिन खिलानी है तो आप कैसे खिलाएंगे? या तो आप मीठे में खिलाएंगे, लेकिन नहीं, मैं क्या करता हूँ अपने डॉग का इस तरह से खोल देता हूँ मुँह, और उसके बाद जो है उसमें मेडिसिन रख देता हूँ और वो आराम से खा जाता है। इसी तरह से आप लोगों को भी अपने डॉग को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि आपके डॉग को जो है किसी भी प्रकार की दोस्तों प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए, आपको अपने डॉग का ट्रिगर पॉइंट फाइंड आउट करना है। जब आप अपने डॉग का ट्रिगर पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस चीज से जो है मेरा डॉग एग्रेसिव हो रहा है, तो आपको अपने डॉग को ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि उसको ट्रिगर करने के लिए कोई पॉइंट ही ना मिले। जब उसको ट्रिगर करने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो वो दोस्तों एग्रेशन अपना शो ही नहीं कर पाएगा। ये तो हो गई दोस्तों पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या होता है? जब भी आपका डॉग ग्राउल कर रहा है, बार्क कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो उस चीज से डर रहा है या उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो अगर आपके डॉग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उस चीज को वहां से हटा दीजिए, या जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको ना करिए ताकि आपके डॉग को अनकंफर्टेबल फील ना हो। जब आपके डॉग को अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा तो उस केस में दोस्तों आपका डॉग जो है एग्रेसिव भी नहीं होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका डॉग आपसे जब नाराज होगा तो वो गुस्सा उतारने के लिए क्या करता है, चीज़ों को काटना शुरू कर देता है, चीज़ों को फाड़ना शुरू कर देगा। तो अगर आपका डॉग दोस्तों ऐसा कर रहा है तो उस समय पे उसको आप डांटिए। एज अ पेट पेरेंट डांटना भी दोस्तों अपने डॉग को बहुत ज़रूरी है। जब हम बचपन में गलती करते थे तो हमारे माँ बाप हमको डांटते थे या नहीं डांटते थे? डांटते थे ना। तो उसी तरह से हम इनके माँ बाप हैं, हम इनको घर में लेके आए हैं, हम इनको जो है खाना देते हैं, इनको कमांड करते हैं, इनको प्यार करते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब भी हमारा डॉग जो है कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि गलत है। तो दोस्तों क्या करना है, तो आपको इनको डांटना है। अगर ये डांट से नहीं सुन रहे हैं तो आपको अपने हाथ में डंडी रखनी है और डंडी इनके कमर पे हल्के से लगानी है ताकि इनको पता रहे कि अगर ये कुछ बदतमीजी करेंगे तो इनकी पिटाई भी हो सकती है। लेकिन पिटाई आपको इस तरह से नहीं करनी कि पता लगा डॉग को बुरी तरह से मारने लग गए, बिल्कुल नहीं। बचपन में माँ बाप कैसे अपने बच्चों की पिटाई करते हैं, वो इस तरह से मारते हैं कि बच्चा जो है डरता भी है और उसको चोट भी नहीं लगती। ठीक उसी तरह से आपको अपने डॉग के साथ करना है, क्योंकि ये जो बच्चा है इसके माँ बाप आप हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, कभी कभी डॉग अपना गुस्सा दिखाने के लिए क्या करता है कि आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी या घर में यहाँ कहीं भी जो है यूरिन कर देगा या पॉटी कर देगा। जब ऐसी स्थिति हो रही है समझ लीजिए कि आपका डॉग जो है आपको नाराजगी शो कर रहा है, क्योंकि आपको अगर डॉग के बिहेवियर की नॉलेज नहीं होगी दोस्तों तो आप कभी भी अपने डॉग का एग्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर अपने डॉग के बिहेवियर की नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल पर दोस्तों हमारी बाकी सारी वीडियोज भी देख सकते हैं जो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ही लेके आता हूँ और जो कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों जब आपका डॉग ऐसा कर रहा है आपको उसको सिंपल सा नो कहना है, या फिर उसको कोई भी चीज आपको खाने के लिए नहीं देनी, खासतौर पर जो उसकी फेवरेट चीज हो, आपको उससे बात नहीं करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके डॉग को भी लगेगा कि मेरा ऑनर जो है मुझसे नाराज है। तो ये नाराज क्यों है, तब आप उसको बताइए कि इसने क्या गलत काम किया था। ये दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि ये हमारी भाषा नहीं समझते, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। ये दोस्तों हमारी बात जो इतने अच्छे समझते हैं कि जितने अच्छे से इंसान समझता है। तो इसीलिए ये आपका फर्ज बनता है कि आपका डॉग जब अगर कोई ऐसी चीज कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है तो आपको भी कोई ऐसी चीजें करनी है उससे, तब आपको भी दोस्तों से नाराजगी शो करनी है। आपको उससे बात नहीं करनी है, उसको वॉक पे जो लेके जा रहे हैं तो मत लेके जाइए, बताइए उसके सामने सामने जो अकेले निकल जाए कि देखो मैं अकेले जा रहा हूँ तुम्हें नहीं लेके,
लेके जाऊंगा क्योंकि तुम बदतमीजी कर रहे हो, अगर ऐसे ही बैड मैनर्स करोगे तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद से पूछे तुमको चलना है बाहर, तो वो अपने लहजे में जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज से जो आपको कहेगा ठीक है लेके चलिए, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तब आप उसको लेके जाइए और उसको ट्रीट दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपको अपने डॉग का एग्रेशन कंट्रोल कैसे करना है। दोस्तों मैं सिर्फ आपको 3 स्टेप बताऊंगा, जी सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप। उन 3 स्टेप्स के माध्यम से आप अपने डॉग का ना केवल एग्रेशन कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि आप अपने डॉग को बिल्कुल काम नेचर का बना लेंगे। लेकिन दोस्तों ये 3 स्टेप से आप जरूरी नहीं है कि आपके अपने डॉग को 2 ही दिन में ट्रेन कर ले जाएं और उसका एग्रेशन डाउन हो जाए। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा क्योंकि डॉग की जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपका पपी है तो डेफिनेट सी बात है 1 मंथ के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा इन 3 स्टेप्स का जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब क्या होता है चिंता मत करिए, मैं इसका मतलब भी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि जब आपके डॉग से आपको कोई भी चीज़ मनवानी है या उसने कोई ऐसी चीज़ करी है जो आपको अच्छी लगी या उसका गुड बिहेवियर है, तब आपको उसको कोई भी ट्रीट देनी है। जिस तरह से मैं स्टिक्स देता हूँ या आप बिस्किट दे सकते हैं, एग दे सकते हैं, चिकन के पीस दे सकते हैं, आप कुछ भी चीज़ जो उसको एज अ ट्रीट के तौर पे, लेकिन वो चीज़ मत दीजिएगा दोस्तों जो आप उसको डेली दे रहे हैं। आप उसको कोई ऐसी चीज़ दीजिए ट्रीट के तौर पे कि उसको लगे कि हाँ मैंने ये अच्छा काम किया है, अगर ये मैं काम फिर से करूँगा तो मुझे जो है फिर से ये खाने को मिलेगा। जैसे कि देखिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ, टाइसन ये खाना है, आओ आओ जल्दी आओ, ये खाना है ना, देख रहे हैं। तो इसको पता है कि ये उसको रेगुलर नहीं मिलता, जब वो मेरी बात मानेगा अच्छे से उसी स्थिति में मैं इसको ये खाने के लिए देता हूँ। तो उसी तरह से आपको अपने डॉग को करना है, जब आपका डॉग आपकी बात अच्छे से माने और कुछ ऐसा अच्छा व्यवहार करे जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो उस स्थिति में आपको उसको कोई भी ट्रीट दे देनी है। उस तरह से दोस्तों क्या होगा, आप अपने डॉग के बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे और साथ के साथ जो आपके डॉग है वो पता चलेगा कि गलत काम करने पे मेरी पिटाई होगी और सही काम करने पे मुझे ट्रीट मिलेगी, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सही काम करना है, गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों ये तो हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड है दोस्तों हमारा सोशलाइजेशन, जो कि आपने सब जगह पे सुना होगा, ज़्यादातर चैनल्स पे सुना होगा। सोशलाइजेशन का प्रॉपर मतलब क्या होता है, ये नहीं कि आप अपने डॉग को गए वॉक कराने लेके गए, गए उसको ना कहीं सूंघने दिया ना किसी से इंटरेक्शन करने दिया, गए टहलाया दूर दूर से और जो है टहला के 15-20 मिनट बाद या 1 घंटे बाद अपने घर पर ले आए, ये सोशलाइजेशन नहीं होता है। सोशलाइजेशन का मतलब पता क्या होता है, जब आपका डॉग घर से बाहर निकल रहा है तो वो नई नई चीज़ों को सूंघेगा, नई नई जगहों पे जाएगा, नए नए लोगों से मिलेगा, नए नए जानवरों से मिलेगा, आप उसको मिलने दीजिए। उससे पता क्या होगा, आपके डॉग को पता रहेगा कि मेरे घर के बाहर भी एक दुनिया है, उस दुनिया में मुझे किस तरह से रहना है, कौन सी चीज़ मेरे लिए खतरनाक है, कौन सी चीज़ मेरे लिए खतरनाक नहीं है और उन चीज़ों के साथ मुझे किस तरह से बिहेव करना है। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे, इस तरह से आप अपने डॉग को सोशलाइज कराएंगे, तो आपका डॉग डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आपके डॉग में एग्रेशन नहीं रहेगा। और यही मेरे दोस्त गलती करते हैं कि हम अपने डॉग को सोशलाइज कराने के लिए वॉक पे तो लेके जा रहे हैं लेकिन वो सोशलाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वॉक हो गई और एक्सरसाइज हो गई रनिंग कराना है। सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि आप लेके गए, अगर कोई स्ट्रीट डॉग आपके डॉग को या आपके पपी को देख के बार्क नहीं कर रहा है, वो उसके पास आ रहा है खेलने के लिए, तो आप भी उसके पास लेके जाइए ताकि उसको समझ में आए कि दूसरे डॉग्स के साथ मुझे किस तरह से बिहेव करना है। अगर कोई काऊ का बच्चा आपके पपी के पास आ रहा है और आपका पपी जो है भौंक नहीं रहा है, आपका पपी जो है उसके पास डर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप उसके पास लेके जाइए ताकि उसको पता रहे कि ये काऊ है, इसके साथ मुझे किस तरह से बिहेव करना है। और दोस्तों एक बात, जब भी कोई न्यू मेंबर आए आपको क्या करना है, अपने डॉग को नो ये हमारे गेस्ट आए हैं तो इसलिए चुपचाप काम होकर बैठ जाओ वहाँ पे, उसके बाद आप उन गेस्ट को बोलिए आपके डॉग के पास आएँ, आपके डॉग को अच्छे से स्निफ करने दीजिए, जब वो सूंघ लेगा अच्छे से आप उसको बताते रहिए साथ के साथ कि ये हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, तो कोई भी बदतमीजी नहीं करनी है, दूर रहो। इस तरह से क्या होगा कि आपका डॉग सोशलाइज हो जाएगा नई नई चीज़ों से, तो उसको पता होगा कि मुझे कब जो है कैसा रिस्पॉन्स करना है, कब मुझे अटैक करना है, कब मुझे गार्ड करना है या कब मुझे जो है नॉर्मल रहना है,
तो दोस्तों इस तरह से ज्यादातर आपका डॉग जो है नॉर्मल रहना सीख जाएगा। जब आपका डॉग नॉर्मल रहना सीख जाएगा तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि हम में से 95% डॉग ओनर्स नहीं करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है आपके डॉग की बेसिक ओबीडियंट ट्रेनिंग, यानी कि बेसिक कमांड सिखाना आपके डॉग को, जैसे कि सिट की कमांड, नो की कमांड, काम की कमांड, स्टे की कमांड, जंप की कमांड, होल्ड की कमांड। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है आपके डॉग को सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी दोस्तों ये आप चीज़ें सिखा रहे हैं, कोशिश करिए अपने हाथ में कोई भी ट्रीट रखिए, और जब आपकी वो बात डॉग आपका मान ले तभी आपको वो ट्रीट देनी है, तभी आप दोस्तों अपने डॉग को या पपी को वो बात सिखा पाएंगे। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर मेरा डॉग तो बड़ा है, वो 2 साल का, क्या वो इस एज में भी सीख सकता है? तो दोस्तों जैसे ह्यूमन कभी भी सीख सकते हैं, उसी तरह से डॉग्स की भी एज होती है, वो कभी भी सीख सकते हैं। तो होप दोस्तों मेरे द्वारा जो 3 स्टेप्स में आपको एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए मेथड्स बताए गए वो आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। और दोस्तों आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अब तक नहीं किया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जो कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी।